चुनाव में हार के बाद टीएस सिंहदेव ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, अगर जीत जाता तो अगली पीढ़ी को विरासत सौंप देता, लेकिन हार गया हूं तो भी मैं मैदान में डटे रहूंगा। मैंने उस बात को, इस चीज को ध्यान में रख के कहा था कि चुनाव जीतूंगा और उसके बाद मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको सौंप देता, पार्टी में बना रहता और नई पीढ़ी को फिर सामने आना चाहिए, लेकिन हार के मैदान मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हारा हूं तो 5 साल पूरा प्रयास करूंगा, क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करता रहूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, उनके लिए जो भी पहल कर सकता हूं जैसा वो चाहेंगे मैं करता रहूंगा। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक कश्यप इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, हालांकि टीएस सिंहदेव का हारना वाकई में सभी के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि कांग्रेस के इतने दिग्गज नेता इस बार हार का स्वाद इन्हें चखना पड़ेगा, लेकिन बहुत बयान महत्वपूर्ण दिया उन्होंने, हार गया हूं लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब यह है कि पार्टी के साथ भी रहूंगा और जनता के बीच लगातार मेरी पहुंच रहेगी। जी जया जी, बिल्कुल बता दूं कि जिस प्रकार से अंबिकापुर, जो छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट माना जाता था, जहाँ से टीएस सिंह जो डिप्टी सीएम जो थे उनका ये क्षेत्र था, और जिस प्रकार से जो रिजल्ट आया है एकदम अकल्पनीय है, इसे सोचा नहीं जा सकता था, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन महज 94 वोट से टीएस सिंहदेव को राजेश अग्रवाल ने पराजित किया है। इसके बाद से टीएस सिंहदेव काफी भावुक भी है और इस रिजल्ट को देखकर वो इसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने जरूर कहा है कि अगर वे जीत जाते तो वे चुनाव से, राजनीति से वे छोड़ देते और अगली पीढ़ी को देते थे, लेकिन अब वे जिस प्रकार से हुआ है उसको लेकर के उन्होंने कह रहे हैं कि अब फिर से वे 5 साल प्रयास करेंगे और वे और उसके बाद ही फिर आगे की रणनीति करेंगे। जी शुक्रिया आपका दीपक, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।